हेलो दोस्तों, आज हमारे पास क्वेश्चन है 1 + √0.01 over 1 - √0.1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम √0.01 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो ये वैल्यू होगी आपकी 0.1। ठीक, इसका तो ऐसे ही निकाल लिया, या हम ऐसे निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, तो 0.01। ठीक, तो हम पेयर बनाएंगे, इधर को चलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और वन से जो है वन वन जा वन करके, तो ये इस तरह से जो है आपका ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है 0.1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक, तो 0.1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो देखिए इस तरह से 0.1। ठीक, तो एक जीरो लगा लीजिए, पेयर बना दीजिए। ठीक, फिर पेयर में ही जीरो बढ़ा दीजिए इस तरह से ये। ठीक है, अब देखिए यहां पॉइंट लगा दीजिए। अब हम 10 लेते हैं पहले। ठीक, तो 3 से कीजिए डिवाइड, 3 3 जा 9। ठीक, तो यहां भी 3 लिखिए, तो 3 3 जा 9, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा यहां पर, 10 - 9 1 आ गया। ठीक, तो 3 और 3 ऐड हो जाएंगे तो ये 6 आ गया। अब यहां पर पियर ही हमेशा उतारा जाता है, ये पियर में जीरो जो है पियर में आएंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करें, 6 से आप 10 को डिवाइड कीजिए, 1 टाइम जाएगा, 1 1 यहां भी लिखिए और 1 यहां भी लिखिए। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो आप 61 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया आपका 61। ठीक है, आप देखिए 100 में से 61 को माइनस कीजिए तो ये आपका 39 आएगा। ठीक, राइट, अब देखिए अब ये 61 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये आपका 62 आ गया। ठीक, अब इधर आप जीरो बढ़ा दीजिए, पेयर में ही लाने पड़ेंगे आपको। ठीक, अब देखिए 62 से आप 390 को डिवाइड कीजिए, लगभग ये 6 टाइम जो है डिवीजन कीजिए इसको, 6 टाइम्स। ठीक, तो ये 6 टाइम्स। ठीक है, आप 626 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 3756। ठीक, तो हमने 3 प्लेस डेसिमल निकाल दिया, 3 प्लेस तक निकाल दिया हमने। ठीक है, डेसिमल के बाद 3 स्थान तक हमने निकाल दिया है, तो ये हो गया आपका 0.316। ठीक, देखिए 0.01 का स्क्वायर रूट 0.1 आ गया और 0.1 का स्क्वायर रूट ये आ गया। ठीक, अब देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन था 1 + √0.01 over 1 - √0.1। ठीक, तो ये हो गया 1 प्लस। ठीक, अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 की वैल्यू 0.1 निकली हमारे पास, 0.1 कीजिए। ठीक, ओवर 1 माइनस, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 की वैल्यू है ये, तो 0.316। अब इसको ऐड कर लीजिए 1 में 0.1 को, तो ये 1.1 हो गया। ओवर 1 में से 0.316 को माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 0.684। ठीक, तो अब 684। ठीक, तो इधर हो जाएगा 1 1, ये आपका 1100 हो गया। ठीक, अब इसको आप डिवाइड कीजिए तो ये डिवाइड करके लगभग जो है कि आपका 1.6 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।